लड़की जी, मैंने आपका सारा काम कर दिया है। वो मैंने कपड़े बहुत अच्छी तरह से धोए हैं, आपको एक दाग भी नहीं मिलेगा उस पे। काकी जी मैंने बस राशि, मैंने सुन लिया, इतना बोलने की क्या जरूरत है? कपड़े अच्छे से धोने का मतलब तो यही है ना कि कपड़े में लगे हुए दाग नहीं रहने चाहिए। और अगर तुमने रसोई बनाई तो रसोई का मतलब यही होता है अच्छा और स्वादिष्ट भोजन। तो इसे कौन सा बड़ा तीर मार लिया तुमने? नानी जी, गोपी बहू मेरे पास आओ। कोयली जो तो खरी, गोपी केटली सुंदर लागे छे। अहम देखेगा तो उसकी आंखें खुली के खुली रह जाएगी। वाह, ये तेरे नाखून? जा, कोयली को दिखा। गोपी बहू आइया वो। नाखून तो सबको कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहे, पर मेरे नाखून जो काम कर करके टूट गए, उसकी किसी को चिंता ही नहीं है। सरस लागो छो गोपी बहू। दिमाग तो सही है, जो चीज बिना मांगे मेरा परिवार मुझे दे रहा था तुमने उसके लिए ना कह दिया। पूछ सकती हूँ क्यों? देखिए किंजल जी, आपके परिवार वालों ने मुझे लगन के वक्त जो कुछ भी दिया वो मैंने शगुन समझकर सिर माथे रख लिया, पर अब इस तरह उपयोग की चीजें मैं उपहार के रूप में नहीं ले सकता। देखिए मैंने आपसे कहा था कि मेहनत करके मैं आपको सारी चीजें जरूर दूंगा, पर उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तुम्हारे वक्त का इंतजार करते करते न जाने कितनी गर्मियां निकल जाएंगी और किसी दिन मैं उफ उफ करते मर भी जाऊंगी। किंजल जी ऐसा मत कहिए, देखिए मैं खुद भी नहीं जानता कि इन सब में मुझे कितना वक्त लगेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि एक दिन मैं आपको अच्छे से पूरा घर सजा के दूंगा, वो भी बेस्ट एंड बेस्ट तरीके से। ठीक है, वो जब दोगे तब दोगे, लेकिन आइंदा अगर मेरा परिवार मुझे कुछ देना चाहता है तो तुम बीच में दखल अंदाजी मत करना, समझे? काकी जी मैंने सारा सामान अच्छी तरह से लिख दिया है। तो अब जब मैंने तुम्हें गुजिया बनाना समझाया है तो तुम वैसे ही रसोड़े में जाओ और बना लो। मोटा भाभी, आपको याद है पिछली बार होली रंगने के लिए हमारे घर आए थे तो सोफा खराब हो गया था? तुम परेशान मत हो कोकिला, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैंने गोपी से कह दिया है सारे सोफे वो चादरों से ढक देगी। जी मोटा भाभी। अरे वाह गोपी दिखरा, तुम तो सारी पुरानी चादरें ढूंढ कर ले आई। एक काम करो, उन्हें वहां रख दो थोड़ी देर, शाम को हम सारे सोफों पर ये चादरें ढक देंगे ताकि होली खेलते वक्त सोफे खराब ना हो। वैसे ये तुम्हारी
किंजल और राशि की पहली होली है, तो लोगों का आना जाना तो लगा ही रहेगा। राशि, क्या देख रही हो? नहीं नहीं, कहीं नहीं काकी जी। जाओ जाकर गुजिया बनाना शुरू कर दो। क्या है ना कि 2-3 घंटे में ये काम खत्म कर देना है। जाओ यहाँ से। गोपी बैठ, आज मैं होलिका की कथा सुनाऊंगी। इस कवार गोपी की कुंडली तो जैसे अचानक ही बदल गई। मेरे अपॉइंटमेंट में पार्लर जाती है और फिर यहाँ बैठ के दोषी से कहानियां सुनती है और मन ही मन में ये उम्मीद लगाए बैठी है कि कब बहन जी आएंगे और कहेंगे कि गोपी तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मेरे पैसे, मेरी अपॉइंटमेंट और बहन जी के सामने ब्यूटी क्वीन बन गई ये। मैं भी देखती हूँ कैसे बनती है। कवार गोपी को तो मैं मजा चक्का खेल रहा हूँ। सरा जाके देखू तो कि ये कर क्या रही है। और इस तरह कृष्ण भक्त प्रहलाद को भस्म करने के इरादे से उसे अग्नि में लेकर बैठी प्रहलाद की बुआ होलिका और खुद ही जलकर भस्म हो गई। वो होलिका जिसे अग्नि में भस्म ना होने का वरदान मिला था। अब तू मुझे ये बता कि इस कथा से संदेश क्या है। चाकू राखे साइया मार सके ना कोई। काकी जी, वो मावा कितना लूं? राशि, तुम्हें मैंने लिखवाया ना 1 किलो मैदा में 1/2 किलो मावा। और वैसे भी मोटा भाभी ने पहले से ही मावा जितना चाहिए उतना मंगा के फ्रिज में रख दिया है। सारा मावा इस्तेमाल कर लो। जाओ अब जल्दी जी। और राशि, वो जो सामान लिखवाया ना मैंने, वो तुम और गोपी वाओ दोनों बाजार चली जाना और सामान लेकर आ जाना। जी। अरे राशि, मारी बात संभल। गोपी तेरे साथ जा रही है तो इसका बराबर ध्यान रखना। आज इसके मन में होगा कि अपनी सुंदरता से अपने अहम को चकित कर दे। तो देखना, कुछ ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी नानी जी, मैं ध्यान रखूंगी। इसका ध्यान रखना जैसे कि मैं इसकी आया ही। कहीं कल की मैच जीतने के बाद इस चील मैया ने अपना संदूक गोपी को देने का मन तो नहीं बना लिया ना।